जय हिंद। माय नेम इज शेफ अभिषेक। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन देशभगत यूनिवर्सिटी। टुडेज टाइटल इज़ अ एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन किचन। हाय, जब आप किचन, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि होटल इंडस्ट्री में आपके बेसिक्स फूड सेक्शंस या डिपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट आपका फ्रंट ऑफिस होता है। जब भी कोई गेस्ट विजिट करता है होटल के अंदर, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन किससे करता है, वो फ्रंट ऑफिस से। देन आता है आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से। फिर रेस्टोरेंट में जाता है तो सबसे पहले किससे उसको मिलना होता है, FMB सर्विस, जो उसको खाना सर्व एंड मॉकटेल एंड कॉकटेल्स को हेल्प करता है सर्व करने में। उसके बाद किचन डिपार्टमेंट आता है। मोर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल इंडस्ट्री का, बिकॉज जब भी कोई गेस्ट किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में विजिट करता है, उसके पीछे उसका पर्पस उसका फूड है। क्योंकि आज की डेट पर जब भी आप विजिट करते हैं, तो आपको एक खाना एक अट्रैक्शन का एक सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। कि कभी भी गेस्ट किसी भी होटल्स में विजिट कर रहा है या रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा है, तो उसके पीछे पर्पस उसका खाने का टेस्ट, उसकी फ्रीक्वेंस और उसकी स्पेशलाइजिंग एंड उसकी फेमस, मतलब वो कितना ज़्यादा फेमस है वो फूड अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके किचन का। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा किचन क्या है। किचन, जब भी आप होटल में जाते हैं विजिट करते हैं, तो किचन आपको क्या दिखेगा किचन में, सबसे पहले आपको किचन में बहुत लार्ज किचन दिखती है। लार्ज किचन के साथ साथ आपको काफ़ी स्पेशलाइजिंग एंड कलर स्पेशलाइजिंग शेफ्स दिखते हैं, जो अपने फील्ड के अंदर, अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक, अपने कुजीन के अंदर मास्टर्स होते हैं। हर एक सेक्शन का, हर एक डिपार्टमेंट का एक स्पेशल शेफ होता है, एक स्पेशलाइजिंग कुजीन का शेफ होता है, जो अपने खुद के डिशेस, अपने खुद की कुजीन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना जानता है। ठीक है, अब खाना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बेसिक नीड है। अगर आप जी रहे हैं या अगर आपको कुछ भी काम करना है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी किस चीज़ से मिलता है, एनर्जी आपके खाने से आपको मिलता है। और एनर्जी खाने में किस टाइप में होती है, अलग अलग आपको विटामिन्स के बेस पर आपको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स के बेस पर आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के बेस पर आपको एनर्जी मिलती है। एंड प्लस खाना आपकी बॉडी को एक सेफ एंड हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारियाँ या कुछ भी आपको इंजरी हो गई है, तो आपको जो खाना है वो इंजरी को रिकवर, क्या बोलते हैं, उसको क्लियर करने के लिए आपका जो खाना है उसके प्रोटीन विटामिन आपकी उस बीमारी को सही करने में मदद करते हैं। ठीक है, खाना आज खाना जो है, जो फूड है, बेसिकली आज लास्ट 10 या 15 या 100 इयर्स पहले से ही नहीं बनाने लगे हैं। जब से दुनिया बनी है, जब से अर्थ का, जब अर्थ धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा, यहाँ पे जीव आने लगे, कोई इंसान बने, तो तब से ही खाने को धीरे धीरे इंसान ने टाइम टू टाइम उसके अंदर प्योरीफाई करके और उस कुजीन को डेवलप धीरे धीरे करके उसको प्रेजेंट किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशंस मेंबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ एंड सोसाइटी के साथ उन्होंने वो चीज़ शेयर की है। तो खाना जो है वो बेसिक आपके इंसान की नीड्स है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बेसिकली, अब बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो खाना जो है वो एक सेफ्टी एंड हेल्दी तरीके से बनाना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, आपको डेडिकेशन होनी चाहिए खाने के लिए। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है खाने को बनाने के लिए, आपकी इच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आप कभी भी खाने को इंटरेस्ट के साथ नहीं बनाएंगे। और इंटरेस्ट के साथ आप खाना नहीं बनाएंगे, तो डेफिनेटली खाने के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या खाना जल जाएगा, या कोई ना कोई स्पाइसेस आप ज़्यादा डाल दोगे, या नमक ज़्यादा डल जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, देन आता है आपका, सबसे पहले आपको हमेशा समझने की जरूरत है, ये जो खाना है वो बेसिकली आपके फोर बेसिक चीज़ों के साथ खाया जाता है। कौन कौन से फोर चीज़ें, आप बोलोगे खाना तो सिर्फ मुंह के साथ ही खाया जाता है, मुंह में डाल के जस्ट आप उसको चुई करते हैं, देन उसको आप खा लेते हो, राइट, ऐसे ही है। बट नहीं, खाने को इस तरीके से नहीं खाते। खाने को सबसे पहले कान के थ्रू खाया जाता है। जब भी आप कहाँ से जा रहे हो और वहाँ पे आप देखते हैं कि आवाज़ आ रही है कुछ ना कुछ, कोई, इमेजिन करो आप किसी एक गली से जा रहे हो और वहाँ पे कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो, डेफिनेटली आपको जो वॉक है, जो कढ़ाई है, उसकी आवाज़ आना स्टार्ट होगा। ठीक है, आवाज़ के साथ साथ क्या होगा, जैसे ही आपको आवाज़ आएगी, तो धीरे धीरे आपके सेल्स एक्टिव होंगे और आपको नोज से उस खाने की खुशबू जो है, उस खाने की जो फ्रीग्वेंस है, उसको आपकी नोज़ अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगी और आपको एक अच्छा फ्लेवर की खुशबू आने लगेगी। देन बाद में आप
आप जब उसको ढूंढते हो या खाने को जब आप देखते हो तो देन आता है आपकी आंखों से आप खाने को अब्जॉर्ब करते हो कि खाना दिखने में कितना यमी लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। उसके बेस पर फिर आपका इंटरेस्ट और डेवलप्ड होता है, देन बाद में आप वो खाना ऑर्डर करते हैं या आप वो खाना लेते हैं प्लेट में अपने दाल के और अपने हिसाब से जो भी जितना भी आपको क्वांटिटी में चाहिए आप वो डालते हैं, देन आप उसको टेस्ट करते हैं अपने माउथ से, देन आप उसका पूरा अच्छे तरीके से इंजॉय ले पाते हैं। तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, आपके कान से स्टार्ट होकर आपके नोज पर गया, नोज से फिर आपके आईज पर गया, आईज से फिर आपके टंग पर आया। इस तरीके से आप एक कोई भी डिश या एक पर्टिकुलर कोई कुजीन, एक पर्टिकुलर खाना, कोई भी डिश हो गई, उसको आप अपने बाकी चार अलग अलग तरीके से आप उसको अब्जॉर्ब करते हो, अलग अलग तरीके से आप उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हो और तभी उसको देख के फिर आप उसको इंजॉय करते हो और ऑफकोर्स उसमें आपको टेस्ट फ्लेवर के साथ साथ एक खुशी भी मिलती है खाने में। क्योंकि कभी आपने देखा होगा जब आपका मूड सैड होता है तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, आप कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं, चॉकलेट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं जिससे आपका जो मूड है वो फ्रेश होता है और आपके अंदर जो डिप्रेशन या फिर आप सैड फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मूड आपका धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए कि आप कितने डेडिकेट हैं अपने फूड के रिगार्डिंग। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन बेसिकली आपका वो चीज़ है जिसके अंदर आप अपने पर्टिकुलर कोई भी खाने को किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस टाइप का आप खाना प्रेफर करते हैं, स्ट्रीट फूड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या क्लासिक फूड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से आप खाने के बारे में नॉलेज ग्रेन करते हैं, किस तरीके से आपके खाने के टॉपिक के ऊपर आपकी नॉलेज है, कैसे फ्लेवर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ आप जाके खाने के रिगार्डिंग कहाँ ऑर्डर्स कर रहे हैं, किस टाइप की आप सर्विस एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप किस टाइप में खाने को प्रेजेंट वे में अवेलेबल करना चाहते हैं। लाइक जैसे कि कभी कभी कुछ कुछ क्या पर्सनालिटीज़ होती हैं जो खाने उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो हमेशा फास्ट फूड मतलब फास्ट फॉरवर्ड फूड प्रेफर करते हैं। लाइक जैसे कि काठी रोल हो गया, आपके रोल्स हो गए, वेजिटेबल रोल हो गया, चिकन रोल हो गया, एग रोल्स हो गए या पैक्ड फूड जो होते हैं सैंडविच हो गया। ठीक है, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, ट्रैवलिंग लाइफ है उनकी तो डेफिनेटली वो अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते कि वो बैठ के और एकदम सही तरीके से एकदम क्लासिक तरीके से उस फूड को अब्जॉर्ब उस फूड को इंजॉय कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा पैक्ड फूड के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं। देन आता है कि किसी किसी को कोई फंक्शंस के अंदर आपको जो एक्सप्लेन सर्विस मिलती है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली खाना वन बाय वन एज पर दी मेन्यू के हिसाब से आपको सर्व किया जाता है, वो एक स्टैंडर्ड्स हो गए, या फिर आप एक ट्रेडिशनल वे में जाना चाहते हैं, आपको ट्रेडिशनल वे में बिठाया जाता है, ट्रेडिशनल वे में आपको सारा खाना सर्व किया जाता है, देन बाद में आप उस चीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं, वो वाली चीज़ें हो गई। देन सेकेंड चीज़ आती है आपका, देन आपका एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप कोई भी खाने को इंजॉयमेंट करते हैं उससे पहले आपका उस खाने के रिगार्डिंग इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आपको यही नहीं पता आपके सामने खाना क्या सब होने वाला है और आप सडनली आपको खाने को देख के बोलते हो या फूड को देख के बोलते हो नहीं मैं ये चीज़ प्रेफर नहीं करता, तो हमेशा सबसे पहले आप जब भी कहाँ जाते हैं तो आप विजिट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो फूड वहाँ पे मिलने वाला जो फूड या कुजीन है वो आपके प्रेफरेंस में आता है या नहीं आता है। ओके, देन आता है आप जहाँ पर भी आप जब कहाँ पे ऑर्डर करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि आपका जो शेफ़ है वो किस कुजीन में मास्टर है। ठीक है, वो अपने कुजीन में सबसे बेस्ट फूड क्या बना सकता है। अब लाइक जैसे कि अगर आप किसी भी ITC में जाते हो तो ITC किस कुजीन के लिए फेमस है, ITC इंडियन कुजीन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मैरिट में जाते हैं तो कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रांड मानी जाती है। ताज में जाते तो ओरिएंटल एंड इंडियन कुजीन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है ताज। एंड प्लस अगर आप ओबराय जाते हो तो डेफिनेटली वो अपने ओरिएंटल एंड कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो सेम सारी ब्रांड जितनी भी होटल्स ब्रांड्स हैं, होटल चेन्स हैं, वो अपने अपने पर्टिकुलर एक फोकस कुजीन के ऊपर भी फोकस रखती हैं जिनसे उनका होटल एक अच्छा बिजनेस और क्या
बिजनेस एंड गेस्ट को अट्रैक्ट कर सके, इस तरीके से वो अपने उस शेफ्स को हायर करता है। एंड प्लस अब जो आपके शेफ्स होते हैं वो अपने कुजीन के अंदर एक स्पेशलाइजिंग डिशेस को भी मेंटेन करते हैं, जिससे गेस्ट को एक लजीज एंड वार्म मोमेंट फील करवाया जाए। और एक सही शेफ हमेशा एक सही टाइम पे, एक सही टाइम पीरियड पे और एक सही वे में आपको खाना प्रेजेंट करता है गेस्ट के लिए, बिकॉज गेस्ट जो है वो शेफ के लिए एक तरीके से उसके हुनर को प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है, और गेस्ट उस चीज़ को फील करने का एक आइडेंटिटी बोल दीजिए चाहे या फिर पर्सनालिटी बोल दीजिए, कि जो उसके लिए जजमेंट करेगा कि वो खाना कितना लजीज या कितना अमेजिंग है। क्योंकि जो शेफ या पर्टिकुलर कोई भी किचन का स्टाफ कभी भी खाना बनाता है वो हमेशा किसी ना किसी गेस्ट को वाव मोमेंट फील करवाने के लिए ही बनाता है, जिससे गेस्ट उस चीज़ को प्लेजर समझे कि वो खाना उसने क्या बोलते हैं टेस्ट किया, खाया या इंजॉय किया। देन आता है कि जब भी आप कभी भी किसी भी खाने को बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर एक चीज़ का टाइम होता है, हर एक इंग्रेडिएंट्स का अपना एक सीज़न होता है। आपको पूरे 12 मंथ्स के सारे इंग्रेडिएंट्स 12 मंथ अवेलेबल्स नहीं मिलते हैं। अगर आप 12 कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे 12 महीने या पूरा ईयर आपको अवेलेबल नहीं मिलते, तो आप उनको किस तरीके से परचेस से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आता है कि आप उनको किस तरीके से क्या बोलते हैं गेस्ट को सर्व कर सकते हो, कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा आपका कौन सी चीज़ मिल रही है, तो उसको आप किस तरीके से अलग अलग डिशेज में यूज़ कर सकते हो। प्लस आपका जो होटल है, आपकी जो ब्रांड है, एंड प्लस आप जिस कुजिंग के शेफ़ हैं, तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि जिससे आप अपने खाने को और ज़्यादा वाव या स्पेशल बना सको। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक खाने को बनाने के पीछे एक रूल्स होते हैं। लाइक जैसे कि आप कटहल की सब्ज़ी है, ठीक है, कटहल की सब्ज़ी को हमेशा बनाने से पहले या तो आप उसको बॉयल करेंगे या आपको उसको फ्राई करना होता है। अगर आप कटहल की सब्जी को कट किया एंड देन डायरेक्ट कुक करोगे तो डेफिनेटली वो कटहल की सब्जी प्रॉपरली कुक नहीं होगी, उसको या तो आपको बॉयल करना पड़ेगा या फ्राई करना पड़ेगा, देन बाद में आपको उसको ग्रेवी के साथ मिक्स करके उसको वापस से कुक करना पड़ेगा, उसी की वजह से वो प्रॉपरली कुक हो पाएगी, राइट। क्योंकि उसके पीछे एक लॉ है, क्योंकि जब तक आप उसको ओवर कुक नहीं करोगे तब तक वो प्रॉपरली कटहल क्या है वो प्रॉपरली कुक नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट इज अ अनप्रिवेड वेजिटेरियन नॉन वेज फ्रूट, है ना, उसको मटन फ्रूट कहा जाता है। मटन फ्रूट क्या है, उसके अंदर जो कटहल जो होता है वो बाकायदा अलग अलग उसमें रेशे होते हैं, और जब आप खाते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप मटन खा रहे हो, तो उसको मटन फ्रूट कहा जाता है। तो मटन फ्रूट को अच्छे तरीके से कुक करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम एज़ पर दी अब चाइनीज़ कुजीन के अंदर आप जब ओरिएंटल कुजीन को रीड करते हैं तो ओरिएंटल कुजीन के अंदर क्या होता है, हाई फ्लेम के अंदर उसको आपको कुक करना होता है। क्योंकि ओरिएंटल के अंदर आपके जितने भी डिशेज़ होती हैं या जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप फुल डन कुक नहीं करते, आपको उनको 75% कुक करना होता है और 25% वो अनकुक रहते हैं, जिससे आपका डाइजेशन बेस्ट बना रहे। क्योंकि आपको अगर आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से कुक कर दोगे तो कुछ ना कुछ आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर जो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो चाइनीज़ एंड पर्टिकुलर ओरिएंटल कुजीन के अंदर इस लॉ को पर्टिकुलर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो 75% चीज़ को कुक करते हैं और 25% चीज़ को वो अनकुक रखते हैं, जिससे क्या होता है कि आप अपने खाने को प्रॉपरली सेफ रख सकते हैं और आपको जो बॉडी को जो पूरी नीड चाहिए तो वो पूरी मिलती हैं। प्लस आपको अपने किचन में जब जाते हो तो आपको क्या चाहिए है? आप जब भी आप किचन में जाते हो तो आपका जो टीम वर्क होता है, शेफ के जो लॉ ऑफकोर्स रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ जो आपके बाकी कलीग्स हैं, आप जब किचन में जाके एक साथ काम करते हो तो उसके पीछे क्या टास्क है, उसके पीछे आपकी क्या मोटिव्स होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। क्योंकि हर एक ब्रांड के अपने खुद के मोटिव्स और टास्क होते हैं, उन चीज़ को आपको कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले आप जब भी आप किसी फील्ड में या कभी भी आप जहाँ जाते हो, सबसे चाहे वो जॉब के लिए हो गया या फिर आप कभी किसी चीज़ के लिए भी जा रहे हैं, उसके पीछे आपके एटीट्यूड होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको आपकी लाइफ में सक्सेस बनाता है। आप जब भी किचन में जा रहे हो तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आप एक अच्छा खाना और एक वाव मोमेंट फील करवाने के लिए काम करेंगे गेस्ट के लिए, ठीक है। देन आता है रिलायबिलिटी, बेसिकली आपकी होती है कि आप कितने सच्चाई के साथ अपनी
अपनी टीम के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने गेस्ट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है कोऑपरेशन, आप अपने टीम को किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हो, आप अपने टीम को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। आप अपने वेलनेस बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टीम वर्क में काम कर रहे थे, या किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे थे, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे, या किसी भी दूसरी ऐसी आइडेंटिटी जो आपके अलावा दूसरी प्रेजेंट आइडेंटिटी है उसके साथ अगर आप काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने कितना ज़्यादा उस कंपनी के साथ या अपने टीम के साथ कितना ज़्यादा आप सच्चाई के साथ काम करते हो। कभी कभी हम लेज़ी हो जाते हैं या काम चोरी करते हैं, वो चीज़ सही नहीं होता, क्योंकि काम चोरी की वजह से आपको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट आपकी वजह से आपकी टीम को भी फेस करना पड़ता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप अपने टीम के साथ और कंपनी के साथ कितने सच्चाई के साथ स्टैंड करते हैं, कितने सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं। देन आते हैं इंटीटेटिव, आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं अपने काम के लिए, अपने आपको जो भी कोई काम दिया जाता है, अपने आपको जो कोई भी डिशेस या कोई भी सेक्शन दिया जा रहा है, आउटलेट दिया जा रहा है, या कोई भी टाइप की कुजीन दी जा रही है, आप कितना इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट इन द किचन, ठीक है। देन आता है इंटरेस्ट, सेम, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि आपने मुझे कोई काम दिया, मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, बट मैं उस काम को कितने दिल के साथ काम कर रहा हूँ, उस काम को मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट उस काम को मैं जब करूँगा तो कितने दिल के साथ कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि खाना जो है उसके पीछे आपकी एनर्जी भी लगती है, दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके या 10-15 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके खाना बनाना इट्स टू ईजी, राइट, बट उसको दिल से बनाना इट्स अ हार्ड वर्क, क्योंकि आपको अपने एनर्जी के साथ साथ सोल एनर्जी भी चाहिए होती है दिल से खाना बनाने के लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी बेसिकली आप खाना बना रहे हैं, आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट है उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, बट आप उसके अंदर कितना क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, आप उस काम को कितना अलग तरीके से कर रहे हैं दूसरों के अलावा, लाइक आपको बनाना इमेजिन करो, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, आपने बोला कि मैंने आपको काम दिया आपको एक समोसा बनाना है, ठीक है, समोसा बनाना इट्स नॉट बिग डील, आप बना सकते हैं, बट आपने उस समोसे को जो ट्राइंगल शेप होता है आपने उसको स्क्वायर शेप डिज़ाइन दे दिया, स्क्वायर शेप में आप समोसा नहीं बना सकते, बना सकते हैं, राइट, आप उसको और कौन कौन से डिज़ाइन देते हैं, आप उसको स्टार डिज़ाइन दे सकते हैं, आप उसको राउंड शेप दे सकते हैं छोटी सी, या फिर आप उसको आउल शेप दे सकते हैं, या फिर आप उसको ड्रॉप शेप दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपने डिशेज या अपने काम के अंदर क्रिएटिविटी लाके आ रहे हैं, ठीक है। देन आता है कॉर्टेक्सी होता है कि आपने वो काम किया बट कितना परसेंट वो सही काम किया, आपने समोसा बनाया बट कितना परसेंट आपने वो समोसा सही तरीके से बनाया। अब जैसे कि वो काम में आपने मेरे को समोसा बनाने दिया, मैंने एक समोसा तो बना दिया, बट आपने मुझे 10 समोसे बनाने के लिए दिए थे, मैंने एक समोसा बनाया बट वो 9 समोसे मैंने दूसरे बंदे से बनवाए, दूसरे शेफ से मैंने अगर बनवाए तो दैट्स मीन वो काम मेरा, बट काम आपने दिया है मेरे को, मैंने वो समोसे बनने के बाद आपके सामने ला के रख दिया, शेफ लो मैंने ये समोसे बनाए, 10 आपने बोला था 10 मैंने बना दिया, बट उसमें से 9 समोसे मेरे दूसरे शेफ ने बनाए हैं और एक समोसा मैंने बनाया, बट वो काम मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे नाम से कि 10 समोसे मैंने बनाए हैं। तो कितने सच्चाई के साथ आप वो काम करके आप अपने सीनियर्स को दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। डेडिकेशन कितना अगर हम बात करते हैं डेडिकेशन, आपने जो काम किया, मैंने अगर वो दूसरे बंदे को खाना बनाने के लिए दे दिया, अगर वो काम मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया किसी को, दैट्स मीन कि मेरे अंदर डेडिकेशन नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अपने काम के लिए सच्चाई नहीं है, मेरे अंदर मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे डेडिकेशन जो है मेरे अपने अंदर को अपने आप को जवाब देना होता है ना कभी कभी कि आपने वो काम सच में किया है या नहीं, क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं करते तब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलता, राइट, उसी एक्सपीरियंस के लिए अपने लिए आपको डेडिकेशन लेके आना पड़ेगा कि यस आप वो काम कर सकते हैं और आप वो पक्का कर सकते हैं, डेफिनेटली आप वो काम कर सकते हैं, ये एक डेडिकेशन होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, विल पावर जिसको बेसिकली कह सकते हैं हम, ऑनेस्टली मतलब कितनी सच्चाई के साथ आपको वो काम करना है अपने लिए, विल पावर के लिए आपके लिए अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो कितनी सच्चाई के साथ आपने वो काम पूरा 100% अपने आप से फिनिश्ड किया है। देन आता है कॉमन सेंस,
कॉमन सेंस मतलब आपने अपना दिमाग कितना परसेंटेज यूज़ किया है। कोई भी काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने अगर आपको बोल दिया आप मार्केट से सामान लेके आइए, बट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लाइक एक एग्जाम्पल देते, मैंने आपको बोला कि आप मार्केट में जाइए और 1 kg शुगर लेके आइए, और मैंने आपको 30 rupees दे दिए। मार्केट में आपको 3 shops या 4-5 shops मिलती हैं। आप एक शॉप पर गए, आपको वहाँ पे एक शॉप पर जाके आपको उसने बोला कि वो 32 rupees की, बट आपके पास 30 rupees हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 2 rupees की शुगर कम करके डाल दे? नहीं, आप दूसरी शॉप के पास जाएंगे, तीसरी शॉप के पास जाएंगे, जितनी भी शॉप्स हैं मार्केट में आप पता करेंगे शुगर का बेस्ट रेट कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ द कॉमन सेंस। आपने उस चीज़ के बारे में सर्वे किया, आपने पता किया कि मार्केट में कहाँ पे कितनी रेट में कौन कौन सी चीज़ मिल रही है, आपकी शुगर कहाँ पे कौन कौन सी रेट पर मिल रही है। जो 30 rupees में मिल रही है, 30 rupees से जहाँ कम मिल रही है और बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, आप डेफिनेटली वहाँ से खरीदेंगे। यहाँ पे आपने क्या क्या किया, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने साथ साथ अपनी टीम को और अपनी कंपनी को बेनिफिट देना होता है। आप उसको अच्छे तरीके से आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप उसके लिए क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, आपको मार्केट में पता करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आता है डिसिप्लिन। हर काम में और हर जगह आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आपने स्कूल्स में सुना होगा कि अनुशासन ही सबसे ज़्यादा मुख्य रूप है, तो उसी तरीके से डिसिप्लिन आपको हर जगह रखने की ज़रूरत है। आप टाइम पे अपने कॉलेज आते हैं, आप टाइम पे अपने कॉलेज से स्टडी करके घर जाते हैं, सेम उसी तरीके से आप टाइम पे होटल्स आएंगे, हाइजीन के तौर तरीके से आएंगे, नहा धो के नाखून छोटे करके आप उसी तरीके से आएंगे, एंड प्लस आप अपने खाने को अपनी सच्चाई के साथ डिसिप्लिन के साथ बनाएंगे। ठीक है, वो चीज़ हो गई। आप अपनी कंपनी के लिए कितना ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, प्लस आप अपने डिश को कितना टाइम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ आप क्या करते हैं, जब भी आप अपनी रेंज पर खड़े होते हैं, रेंज मतलब जहाँ पर भी आप खाना बनाते हैं, जो भी आपका एरिया है वहाँ खड़े होते हैं, आप अपनी कितने सही तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करते हैं, कितने सही तरीके से आप उस काम के लिए ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट देता है। क्योंकि किचन जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेबल एरिया है, जहाँ पे आप सिर्फ प्रेजेंट करेंगे उसी बेस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।